Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching Top 10 Daily Current Affairs, which is very important for all competitive examinations. So friends, रोज की तरह मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में मैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आज देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं कि आज भारत पूरा बंद है। किसानों का आंदोलन को लेकर, किसानों की मांग को लेकर, सभी पक्षी पार्टी से लेकर किसान लोग सभी जो है चक्का जाम भारत में रखे हुए हैं। आइए शांतिपूर्ण जो है उनका प्रदर्शन होगा। आगे बढ़े तो देखिए कि आज इंग्लैंड में कोरोना का जो है टीका आज से शुरू लगने वाला है, और अमेरिका में भी, कोलंबिया में भी जो है टीका लगना शुरू हो जाएगा आज से ही। बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है नए संसद भवन के निर्माण पर, और असम में एवरेस्ट कितना ऊंचा है आज नेपाल बताएगा। यानी नेपाल जो है फिर से लगातार जो है 8848 मीटर जो ऊंचाई है एवरेस्ट की। 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने एवरेस्ट की ऊंचाई जो नापी थी उसको नेपाल ने भूकंप के बाद जो है 2015 में आई थी, उसके बाद वो फिर से नापने का फैसला किया है, तो आज इसका रिपोर्ट आएगी इसमें कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। टीवी अभिनेत्री दिव्या नहीं रही हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता कि जो अभिनेत्री थी, मशहूर अभिनेत्री, उनका निधन हो गया। दिल्ली में 5 संदिग्ध आतंकी जो है पूर्वी दिल्ली से दबोचे गए हैं। देश में कोरोना रोगियों की संख्या जो है लगातार घट रही है, 4 लाख से नीचे पहुंच गए हैं संख्याएं। और बात की जाए पड़ोसी राज्य अमेरिका, सॉरी पाकिस्तान, बांग्लादेश की, तो वहाँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा जो है अलर्ट केस हैं। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी है। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि आज क्लास में सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज के इतिहास से जुड़े हुए 4 से 5 सवाल रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी स्पेशल टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए जाते हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है। उसका थाट्स ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है, उसका विज्ञान से जुड़ी हुई 5 जानकारियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, खास करके रेलवे ग्रुप डी NTPC के लिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया है। तो देखते हैं आज का इतिहास के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 1976 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु प्रशिक्षण किया जो सफल रहा था। आज ही के दिन वर्ष 1941 में अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1935 में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म हुआ है। आज ही के दिन वर्ष 1900 में भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता पंडित जयशंकर का जन्म हुआ था। आखिरी 2 और बचे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1863 में चिली की राजधानी सेंटियागो स्थित जेसुइट गिरजाघर पर आग लगने से करीब 2500 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का इतिहास, जो काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको मिला होगा कि भारत के जो है नृत्य के जन्मदाता कौन है, राजधानी सेंटियागो जो है चिली की है, उसमें गिरजाघर में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, फिर से धर्मेंद्र का जो दिग्गज नेता बॉलीवुड के धर्मेंद्र हैं उनका जन्म कब हुआ है, इस तरह का तमाम तरह की जानकारियाँ आई होप आपको मिले होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन इसमें किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में। YouTube पर अक्सर लोग नफरत फैलाने वाले और आपत्तिजनक कमेंट करते हैं, अन्य यूजर्स इसकी रिपोर्ट करते हैं। इस मंच को नफरत से दूर रखने के लिए अब YouTube एक नया फीचर ला रहा है। दरअसल इस फीचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पोस्ट किए जाने से पहले उपयोगकर्ताओं के कमेंट को स्कैन किया जाएगा। कमेंट में किसी तरह का असफलताओं का पता चलने पर एक पॉप अप खुलेगा जिसमें टिप्पणियों को सम्मानजनक बनाए रखने का आग्रह किया जाएगा। तो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ भी कभी कभी कुछ ना कुछ जो है कमेंटर्स जो हैं वो गलत तरीके से बर्ताव करते हैं या कमेंट करते हैं, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो यूट्यूब ने नया फीचर लॉन्च कर दिया है, जो भी जो कमेंटेटर हैं जो भी कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, तो उनको एक बार वार्निंग दी जाएगी कि आप अपना बदलाव करो। हालांकि यूट्यूब कमेंट को खुद ब खुद डिलीट करने और स्किन के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा में मतलब यूट्यूब के द्वारा बताया गया है। कमेंट डिलीट करने का बजाय वह यूजर से किए गए कमेंट पर पुनर्विचार करने का के लिए कहेगा। हालांकि यूजर की इच्छा होने पर इसे पोस्ट कर सकेगा। तो ये भी जो है ऐसा कोई मतलब विशेष रूप से कानून नहीं बनाया गया, बट हाँ एक और उनको वार्निंग दिया जाएगा या बताया जाएगा कि आप इस पर पुनर्विचार करो, नहीं करेंगे तो भी वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक विचार बदम आएगा। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है। तो पेन पेंसिल से लेकर फटाफट तैयार हो जाए इसका नोट्स तैयार करने के लिए। तो चलिए आज का पहला है जानकारी, पहला करंट अफेयर्स। ICICI बैंक ने नया मोबाइल ऐप बैंकिंग ऐप ग्राहकों के लिए लॉन्च किया था। इससे पहले HDFC बैंक ने जो है नया क्रेडिट कार्ड और लेन देन के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था जो प्लेटफॉर्म जो तैयार कर रहा था, उसमें जो है RBI ने जो है पूर्ण विराम लगा दिया था, किंतु ICICI बैंक ने नया मोबाइल बैंकिंग ऐप ग्राहकों के लिए लॉन्च कर दिया है। नए बैंकिंग ऐप का नाम आई मोबाइल पे होगा। क्या होगा? आई मोबाइल पे। इस ऐप पर किसी भी बैंक के ग्राहक अपने खाते को जोड़ सकते हैं और UPI खाता बनाकर भुगतान करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप को खरीदारी, दूसरे खाते में पैसे भेजने, मोबाइल वॉलेट में पैसे डालने, बिल जमा और ऑनलाइन रिचार्ज करने का काम भी इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस, स्टेक फोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को आधिकारिक तौर पर शामिल किया है। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि इस बार 2020 में जो जापान में जो ओलंपिक होने वाला था जिसको स्थापित कर दिया गया, तो उसमें इसको दो खेलों को शामिल किया जाने वाला था, किंतु इसको स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइजर का पहला टीका 90 साल के बुजुर्ग को लगाया गया। उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की एक महिला जो है COVID-19 से बचाव के लिए फाइजर या बायोएनटेक के द्वारा जो निर्मित टीका है वो लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। उनका नाम मार्गरेट किनान मैगी है, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी में उनका पहला जो है वो व्यक्ति जो है बनी। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे छोटे बंदर पिंग पोंग ने उनका जन्म हुआ। तो इसका नाम, दोनों छोटे बंदर का नाम पिंग पोंग रखा गया, जिसका लंबाई जो है 2 इंच है और वजन जो है लगभग 10 ग्राम है। ये जुड़वा बच्चे हैं, ये इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में जो है बंदरों का, इन दोनों बंदरों का जन्म हुआ है। ये प्रजाति पिग्मी मार्मासेट्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बेलारूस ओलंपिक के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। तो बहुत सारी वजहें हो सकती है, तो मैं बता दूं कि जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर लुकानेस्को को जो वही हैं बेलारूस ओलंपिक के अध्यक्ष, जो उनको निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के कोलंबिया में एक सुनहरा रहस्यमयी खंभा दिखा। यह खंभा बिल्कुल उन्हीं खंभों की तरह बताया गया है जो पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में जगह जगह नजर आ रहे हैं। सबसे पहला रहस्यमय खंभा 15 नवंबर को अमेरिका के उटाह के रेगिस्तान में नजर आया था। इसके बाद ये गायब होकर कैलिफोर्निया, रोमानिया, आइसल ऑफ वाइट, जर्मनी, स्पेन में भी दिखा है। स्थानीय लोगों ने इसको जो है एलियन की मौजूदगी का संदेह उनको हुआ है, और ये काफ़ी तस्वीरें जो है इसको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसका वीडियो को वायरल किया गया, तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें जो है कोलंबिया में दिखा है ये सुनहरा खंभा। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने दुनिया का पहला जो है कृत्रिम सूर्य संलयन परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो मैं बता दूं कि चीन तो सबसे आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हर सेक्टर में दुनिया को, वो हर कंट्री को पछाड़ रहा है। ये जो बनाया गया है कृत्रिम सूर्य जो है वो वास्तविक सूर्य से 5 गुना अधिक जो है ऊर्जावान है और गर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट और आखिरी करंट अफेयर्स,
जेहान दारूवाला ने बहरीन में आयोजित शिखर सखीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला टू रेस जीती है। तो ये देख सकते हैं, ये इंडियन एकमात्र एक इंडियन है जिन्होंने ये जो है ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और देखते हैं आज का क्या होता है स्थिति, कैसे किसान जो है शांतिपूर्ण जो है अपना प्रदर्शन करते हैं, और सरकार क्या इसमें सुधार करती है कि नहीं, उनकी बातों को मानती है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। और किसान जो है धरती पुत्र है, हम सभी का अन्नदाता है, अन्नदाता। इस तरह से सरकार को प्रदर्शन में उनको रोक लगानी चाहिए और उनके बातों को जो है ध्यान से उनको उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि आने वाले संभावित रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछने की संभावना बनी है। तो मैं तो बताऊं कि ये एसएससी में भी इसकी संभावना बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं आज का 5 सवाल। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आग बुझाया जाता ही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो में डाल करके जो यंत्र जो बनाया जाता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से मिला के इसमें सवाल बनाए गए हैं। किडनी का कार्य न करने के कारण रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया के 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक 50 ml पानी की मात्रा जरूरत होती है, यानी 1 ग्राम यूरिया यानी यूरिनल यानी टॉयलेट को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जित करने के लिए 50 ml की पानी की आवश्यकता शरीर को होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्मीनियम के मिश्र धातु हल्के होते हैं और हवाई जहाज बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अल्मीनियम के मिश्र धातु यानी एक अलॉय होता है जिसको उपयोग हवाई जहाज को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी जो है सवाल, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ छोटे परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये सभी के को जानकारी होती है कि छोटे परमाणु जो होते हैं एटम होते हैं उन्हीं से जो है पदार्थ या जो भी मैटर होते हैं वो बने होते हैं। छोटे छोटे कण आण्विक कण जिनको बोला गया मोलिकुल्स, छोटे छोटे मोलिकुल्स से कोई भी पदार्थ बनते हैं। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये बतलाया गया है। तो आगे कुछ और जानकारियाँ बता दूँ उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड हाल ही में रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का फॉर्मेशन जो है यानी इसका स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 में की गई, या झारखंड का 15 नवंबर में की गई। कैपिटल जो है देहरादून विंटर में है और गैडसन जो है समर में होती है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13 हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की संख्या जो है 70 है, लोकसभा की सीटें जो है 5 है और राज्यसभा की 3 है। तो ये था उत्तराखंड से जुड़ा हुआ सवाल। जो भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड के परीक्षा में बैठ रहे हैं तो इस उत्तराखंड के बारे में अवश्य जानें। नेक्स्ट देखते हैं, मैं बता दूँ IATA के बारे में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA इज द ट्रेड एसोसिएशन फॉर द वर्ल्ड्स एयरलाइंस रिप्रेजेंटिंग 83% ऑफ टोटल एयर ट्रैफिक। IATA सपोर्ट्स एयरलाइन एक्टिविटी एंड हेल्प्स फॉर्मुलाई इंडस्ट्री पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज इन मैनी एरियाज क्रूशियल टू एविएशन। तो ये कंसल्टिंग भी करता है और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है अलग क्षेत्रों में, खास करके क्रूशियल एविएशन में यानी नौसेना में। इसका जो है फॉर्मेशन जो है 19 अप्रैल 1900 यानी इसका गठन जो है 19 अप्रैल 1945 को किया गया, हेडक्वार्टर जो है था। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। टीबी इज कॉज बाय बैक्टीरियस इसका होता है। ये टीबी एक जर्म होता है जो हवा में फैलता है, स्नीज टीबी कफ और स्पिट के थूकने के माध्यम से ये पूरा फैलता है। ये एक स्पेक्ट्रम और ब्लड और जो है अचानक से आ जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, वीकनेस हो जाता है, वेट जो है लॉस होने लगती है, फीवर और नाइट स्वीट्स पसीने भी आते हैं, इसे टीबी का लक्षण इसको कहा जाता है। एंटी टी मेडिसिन से जो है इसको एक या एक से अधिक बार लेने पर इसको जो है ठीक किया जा सकता है यानी लगातार इसका सेवन करने पर इसके दवाओं का। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी ने कुछ जाना होगा, सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास का फिर मिलूंगा, तब तक के नमस्कार। सबक है जाते जाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें ना, और प्रेस आइकन बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगेन। थैंक यू।